हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है वाईफाई को कैसे पेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास है ओप्पो का फ़ोन। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आप लोग को जाना होगा सेटिंग आइकन पर। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आप लोग बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और वाईफाई पर जाना है। आप देख रहे हैं आपके फ़ोन में यहाँ पर वाईफाई जो है बंद है। अगर आप वाईफाई को चालू करना चाहते हैं तो इस तरीके से चालू कर देंगे। चालू करने के बाद आपको यहाँ वाईफाई के नाम दिख रहे हैं, आपको उस वाईफाई के नाम पर क्लिक करना है जो कि आपके सबसे पास का नेटवर्क है। जैसे कि मैं इस पर कर रही हूँ, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है और आपको शो पासवर्ड पर क्लिक भी कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड देखना चाहते हैं। जैसे कि अब मैं पासवर्ड डाल रही हूँ कि मेरा जो भी पासवर्ड था। आपको याद रखना है आपका हॉटस्पॉट का पासवर्ड कम से कम 8 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आपका वाईफाई जो है कनेक्ट हो जाएगा, यानी पेयर हो जाएगा आपके फ़ोन से। तो इस तरीके से आप लोग वाईफाई को पेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।